बीड जिले के ऐतिहासिक स्थान इस सीरीज के तहत आज हम उपस्थित हैं बीड की प्रसिद्ध दरगाह, जो सिर्फ बीड ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र और पूरे देश में प्रसिद्ध है, दरगाह हजरत सैयद मंसूर शाह सोहरवर्दी। ये जो दरगाह आप सामने देख रहे हैं, ये किले की तरह इमारत ग्वालियर के शाही खानदान सिंधिया घराने की ओर से निर्माण की गई है, तामीर की गई है। कहा जाता है कि ग्वालियर के सिंधिया घराने की इस दरगाह पर और यहाँ हजरत सैयद मंसूर शाह सोहरवर्दी पर बहुत गहरी आस्था थी और वो कई मर्तबा यहाँ पर आ भी चुके हैं। आइए जानते हैं दरगाह हजरत मंसूर शाह वली रहमतुल्लाह अलैह और इनसे जुड़े इतिहास के बारे में अधिक जानकारी। बीड जिले के वरिष्ठ पत्रकार, दैनिक तामीर के संपादक और बीड के इतिहास के अभ्यासक काजी मखदूम साहब से। सरकार एक्सप्रेस के विशेष कार्यक्रम बीड जिले के ऐतिहासिक ठिकान के माध्यम से और काजी मखदूम का तारीखनामा इस शीर्षक के साथ। आदाब अर्ज़ है। सरकार एक्सप्रेस न्यूज चैनल की जानिब से गुज़िश्ता कई दिनों से तारीख को लेकर और इतिहास को लेकर कई अच्छे सीरियल पेश किए गए, कई अच्छी बातें, कई अच्छा नॉलेज बीड़वासियों को, महाराष्ट्र वासियों को दिया गया, जिसे देखकर इस चैनल को जो लोकप्रियता मिली है और इसके एडिटर सिराज खान ने जो कोशिशें की हैं और कर रहे हैं, उसके लिए मैं उनको सबसे पहले मुबारकबाद देता हूं। सच पूछो तो तारीख या इतिहास पे लिखना बोलना ये सबसे मुश्किल काम है। आप किसी भी फील्ड में, अगर आप साइंटिस्ट हैं तो रिसर्च करेंगे, रिजल्ट नहीं मिला तो फिर और 10 बार उसको रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, फिर अपडेट करेंगे, आपके पास चांस होता है। लेकिन हिस्ट्री के मामले में आप पास कोई चांस नहीं। कोई पॉलिटिशियन भी आज अपनी बात करेगा, कल बोलेगा मेरा मतलब तो कहने का ऐसा नहीं था, या कोई भी, लेकिन तारीख में इस तरह नहीं कर सकते आप। आपको पूरी ईमानदारी और सच्चाई से अपनी बात रखना होगी, तो आप जो आपको सुनते हैं, जो आपको पढ़ते हैं, वो भी इसको हक समझे और आने वाली जनरेशन को, उसके पढ़ने को भी आप सही इंफॉर्मेशन दे सके, तो इस काम को हाथ लगाइए, वरना नहीं। मैंने बहुत कोशिश की है इस मामले को लेकर, हजरत मंसूर शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की तारीख को लेकर, कि आप तक इस सिलसिले के जरिए सच्ची और वही बातें आप तक पहुंचाई जाए जो कहीं सरकारी गजट में भी है और जिसको तारीख दानों ने, इतिहासकारों ने अपने तौर पे पेश किया है। मैं कोई हिस्टोरियन नहीं हूं, मैं कोई इतिहासकार नहीं हूं, मैं हिस्ट्री का एक स्टूडेंट हूं जो कि सीख रहा हूं और पढ़ रहा हूं। इस दौरान मेरे पढ़ने में जो चीज़ें आई, जो अच्छी अच्छी चीज़ें आई, मैं कोशिश कर रहा हूं कि वो आपके सामने रखूं। बीड़ के इतिहास को लेकर तकरीबन जो 4-5 बड़े बड़े इतिहासकार उर्दू और पर्शियन में हैं, उनमें एक अबू खासिम हैं, खासिम शाह जिन्हें कहते हैं, जिन्होंने तारीख़ फरिश्ता नामी एक किताब 400 साल पहले लिखी। उनकी तारीख़ फरिश्ता में भी बीड़ का जिक्र है, जिसमें उन्होंने 5000 तारीख को थोड़ा सा कवर करने की कोशिश की है। उसके बाद रियाजुल अबरार में, उसमें भी उन्होंने बीड़ के इतिहास को बहुत दूर से 4000-5000 साल से लाया है। कौरव पांडव का युद्ध, उनका दौर, उनकी कहानियों से जो बीड़ से बातें जुड़ी वो है। उसके बाद विक्रमजीत की बातें हैं और उनकी बहन रानी चंपावती का बीड़ में दौर, उनकी हुकूमत, विक्रमजीत की बहन रानी चंपावती बाई कैसी नेक औरत थी, कैसी नेक हुक्मरान थी और उनका प्रशासन के अंदर कितना बेहतरीन उनका प्रशासन था,
उसके ताल्लुक से भी मुस्लिम इतिहासकारों ने लिखा है। और दो इतिहासकारों ने भी 70 साल पहले मीर रौनक अली के बेटे मौलवी बासित अली ने भी बीड़ की तारीख लिखी, और आज से 20 साल पहले अब्दुल हमीद नाथापुरी ने भी बीड़ की तारीख लिखी है। इन सब लोगों ने बीड़ को बहुत दूर से और अच्छे तरीके से लाया है। 2000 साल पहले बीड़ कैसी संगीत की राजधानी थी, बड़े बड़े शास्त्री बीड़ में आते, उनके मुकाबले होते, एक इसको बड़े खूबसूरत अंदाज में पेश किया। उसके बाद बीड़ के जो बड़े बड़े बांधकाम हैं, किलों के बांधकाम हो, मंदिरों के बांधकाम हो, उसका जिक्र भी इन किताब में है। 150 साल पहले काजी मुहीउद्दीन जो बीड़ के काजी थे और जिनका ननियाल अष्टी था, उन्होंने भी बीड़ के ताल्लुक से बहुत कॉम्पैक्ट लिखा है। अब बहुत सी बातें ऐसी हैं कि हम उसको आज के दौर में, जो मैंने कहा कि हम सिर्फ फूलों की खुशबू चाहते हैं, हमें वो नहीं चाहिए जिससे कि बारूद की बू आ सके, तो उसमें बहुत सी अच्छी बातें भी हैं, बहुत सी का तारीख की किताबों में हमें वही चुनना है, वही पेश करना है। तो उसमें खंडेश्वरी के दीपमाल और दीपमाल को दूर से नजर आते हुए नजर आता वो खूबसूरत नज़ारे को भी बड़े खूबसूरत अंदाज में पेश किया गया है। कंकालेश्वर मंदिर का बात काम, उसके अंदर का जलकुंड, उसकी भी तारीख इतिहासकारों ने की है। इसके साथ इन इतिहासकारों ने बीड़ के मुस्लिम वली सूफी, उसके बाद यहाँ के संत का भी जिक्र किया है। लेकिन हजरत शहंशाह वली के बाद बीड़ के और एक सूफी हजरत मंसूर शाह रहमतुल्लाह अलैह का भी हिस्ट्री जो है, तो बीड़, महाराष्ट्र और हिंदुस्तान भर के अलावा देश के बाहर तक भी इनकी खुशबू फैली है। खास तौर पे आज जो मेरा टॉपिक है हजरत मंसूर शाह रहमतुल्लाह अलैह को लेकर, कि वो क्या है कि बीड़ और जो ग्वालियर के बीच जो रिश्ता बना, वो क्या रिश्ता था और वो क्या बातें थी कि जिसने पानीपत की जंग में बीड़ का एक सूफी दुआ करता है और उसके बाद उस जंग में से एक बड़ा सरदार जिंदा वापस आता है। ये कहानी हमको बीड़ के इतिहासकारों में भी मिलेगी और ग्वालियर के सरकारी गजट में भी मिलेगी, और वहां के ग्वालियर के खानदान जो है, महाराजा खानदान, उनके पास भी इसका हमको रजिस्ट्रेशन मिलेगा या हमको उसको एक किस्म से अनुमति मिलती है कि हाँ ये बातें सच है। तो हमने वही बातों को लिया है जो कि आपके नॉलेज में सही बातें आएंगी। हजरत मंसूर शाह वली के ताल्लुक से जो इतिहास में दर्ज है, वो बचपन से ही, अपने कम उम्र से ही एक नेक इंसान थे, एक नेक लड़के थे। सोहरवर्दिया जो एक सूफी पंथ का बड़ा सिलसिला है, उससे उनका ताल्लुक था। वो नमाज रोजे के अलावा एक जिक्र की महफिल में भी बैठा करते थे। इनका अहम काम जो होता था वो एक अल्लाह एक ईश्वर की इबादत करना और इंसान को इंसान की गुलामी से निकाल कर ईश्वर या अल्लाह के सिपुर्द करना होता था। हजरत मंसूर शाह भी इंसानों से मोहब्बत करते थे। उनकी नज़र में न कोई मुस्लिम था, न हिंदू, न दलित, सब इंसान से वो मोहब्बत करते और इंसान की सेवा को ही वो ईश्वर की या रब की सेवा मानते थे। उनके पास सुबह अगर कोई बड़ा गिफ्ट आ जाता तो शाम तक वो पूरा तकसीम कर देते थे, बांट देते थे। हजरत मंसूर शाह या जो भी सूफी होते हैं या जो भी औलिया होते हैं, उनको दुनिया से कोई मोहब्बत नहीं रहती है। उनका जो कुछ भी होता है वो समय उनके लिए कि हम मरने के बाद हमारे लिए हमको सब कुछ मिलेगा, हमको दुनिया में सिर्फ इंसानों के लिए, हर इंसान के लिए मेहनत करना है और उसका दर्द दूर करना है। ऐसे ही उनके कई चाहने वाले थे, जिनमें एक बीड़ की निम्बालकर घराना था और दूसरा
सिंधिया घराना जिसका ताल्लुक ग्वालियर से था। ये बात तकरीबन 1761 की है जब पानीपत की तीसरी जंग चल रही थी और उनके पास अन्नपूर्णबाई निम्बालकर घराने से, जो माधवराव सिंधिया की बीवी है, वो उनके पास रोती हुई आई और उन्होंने कहा, शाह साहब मेरे पति का कोई पता नहीं चल रहा है और वो मिसिंग है। महादजी शिंदे और मंसूर शाह का पहले से ही ताल्लुक रहा है, किताबों में है, इतिहास की किताबों में है। बताया जाता है कि 1761 पानीपत की तीसरी जंग से बहुत पहले महादजी शिंदे की मां ने हजरत मंसूर शाह की खिदमत में महादजी शिंदे को लेकर आया था। यह किस्सा बड़ा मशहूर है और इसके बाद में जो टैली होता है वो ग्वालियर से भी ये टैली होता है। इसमें जब हजरत मंसूर शाह खाना खा रहे थे तब इनके माताजी ने, महादेव सिंधिया के माताजी ने इनको हजरत मंसूर शाह की खिदमत में लाए और कुछ दुआ करने के लिए कहा। हजरत मंसूर शाह ने उन्हें अपने साथ खाना खाने की दावत दी, खाना खाने के लिए कहा। किस्सा मशहूर है कि पानीपत की तीसरी जंग से बहुत पहले महादजी शिंदे के माताजी ने महादजी को हजरत मंसूर शाह की खिदमत में लेकर भीड़ आए थे और उनसे इनके लिए दुआ करने को कहा था। चूंकि इनकी निस्बत पहले से ही निम्बालकर घराने से थी इसलिए भीड़ उनके लिए कोई नई चीज नहीं थी और उनका वैसे भी ताल्लुक मराठवाड़े से ही रहा है। जब वो उनकी खिदमत में हाजिर हुए हजरत मंसूर शाह रहमतुल्लाह अलैह के, तब वो खाना खा रहे थे। माताजी और महादजी दोनों अदब से उनके सामने बैठ गए। तब हजरत मंसूर शाह ने महादजी से कहा कि आओ थोड़ा खाना खा लो। तब महादजी हजरत का आदर करते हुए थोड़ी सी रोटी उसमें से खा ली। इतिहासकार बताते हैं कि तब हजरत मंसूर शाह मुस्कुराए और कहा कि हम तो तुम्हें पूरा हिंदुस्तान देना चाहते थे, तुमने थोड़े पे इक्तफा कर लिया, यानी बस कर लिया। कौन जानता था कि ये अल्लाह के वली की या सूफी की बात के पीछे क्या राज छुपा है, ये तो बाद में ही पता चलते हैं। बस इस तरह हुआ। फिर उसके बाद वो पूना के लिए जाने के लिए निकले। तब हजरत मंसूर शाह ने एक गिफ्ट के तौर पर उनसे कहा कि तुम सफर में जा रहे हो, ये रस्सी और ये डंडा अपने साथ रखो, सफर में काम आएगा। इत्तेफाक देखिए कि ये सफर में थे और सफर के दौरान उन्होंने देखा कि कुछ गुंडा टाइप लोग एक खजाना ले जा रहे लोगों पर हमला कर रहे हैं। उन्होंने उस सरकारी खजाना ले जाने वाले लोगों की मदद की और उस गुंडों को, भिंडारी नाम के उस वक्त टोली थी, उस वक्त लूट मार करती थी उस इलाके की, तो उसको उन्होंने पकड़ लिया। बाद में पता चला कि ये पेशवा का खजाना था पूना के और वो उनके सिपाही। उस वक्त उस रस्सी से पिंडारी को बांधा गया और पेशवा के दरबार में पेश किया गया। पेशवा महादजी सिंधिया की इस बहादुर से बहुत खुश हुए और वो पेशवा के एक वफादार साथी के तौर पर इस फौज में एक बड़े ओहदे पर फायज हो गए। ये वो टर्निंग पॉइंट थे जहां से महादजी शिंदे का
एक विश्वास बढ़ता गया, उनकी हर चीज में बढ़ोतरी होती गई। और इसी वाक्य के सबब, इसी बात के सबब महाद जी का हजरत मंसूर से आपे भी विश्वास बढ़ा और वो उनसे संपर्क में रहने लगे। इस तरह चलता रहा, वक्त गुजरता रहा, लेकिन जब बात तीसरी पानीपत जंग की आई तब सारा देश, सारा महाराष्ट्र एक अलग कैफियत में था। महाजी की फैमिली, उनके दोनों भाई दत्ता जी, तुको जी और उनके भतीजे जंको जी भी उनके साथ पानीपत की तीसरी दंग में शामिल थे। इनके ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारी थी। जैसा कि हम जानते हैं कि तीसरी पानीपत जंग में पेशवा की फौज को, मराठा की फौज को काफी नुकसान उठाना पड़ा। और एक जब ये इब्राहिम खान गार्दी, जो कि मराठा फौज के एक सरदार थे, और अहमद शाह अब्दाली ने तीसरी जंग के दौरान जो मराठा फौज के साथ सुलूक किया वो भी सब जानते हैं, तब अहमद शाह अब्दाली ने अहमद शाह गार्दी, अहमद खान गार्दी, जो कि तोपखाना के मुखिया थे, और जब वो गिरफ्तार हो गए तो उनको बुलाकर बड़ी सख्त यातना और सजा दी थी और उनकी गर्दन उड़ाने का हुक्म दिया। एक ये भी तारीख इतिहासकार बताते हैं और दूसरे लोग ये बताते हैं कि उन्हें तेल में भुना गया। इस कुरंजाम का और इस दर्दनाक बात की तिला पूना तक पहुंच चुकी थी और इनके दोनों भाई दत्ता जी, तुको जी और भतीजे जंको जी के मारे जाने की इतिला भी पूना तक आ चुकी थी और किसी तरह यह इतिला सिंधिया फैमिली तक पहुंची, जिससे परेशान होकर गम में अन्नपूर्णा बाई, जो कि उनकी पत्नी थी महाजी सिंधिया की, वो हजरत मंसूर शाह की खिदमत में हाजिर हुई और कहा कि हजरत हालात ऐसे ऐसे हैं, 40,000 से ज्यादा के मारे जाने की खबर है, तीसरा पानीपत का युद्ध बहुत ही भयानक रहा और अब तक महाद जी की भी हमें कोई खबर नहीं मिली है। तब हजरत मंसूर शाह ने अन्नाबाई पूर्णा को तसल्ली देते हुए कहा कि फिक्र मत करो, इंशाअल्लाह तुम्हारे पति खैरियत से घर आ जाएंगे। और देखिए हुआ भी कुछ इस तरह कि इस जंग में महाद जी सिंधिया बुरी तरह जख्मी है, उनका घोड़ा भी दुर्रानी फौज लेकर चली गई और वो जख्मी है। ऐसे में इस दुआ को कैसी कबूलियत मिली कि एक पेशवा का फौजी ही, जिसका नाम राने खान था, उसने उनको जख्मी हालत में देखा, उसके पास ना कोई घोड़ा था ना किसी किस्म की सवारी, उसने महाद जी सिंधिया को अपने कांधों पे लाद कर मीलों तक भागता हुआ आया और उन्हें महफूज मुकाम पे पहुंचाया। बाद में हम देखा, तारीखों में पढ़ते हैं कि वो महाद जी सिंधिया ने राने खान को सरदारी भी अता की, उन्हें बड़े मनसब से भी नवाजा और उनके नेतृत्व में, उनकी क्यादत में बड़ी बड़ी जंगें भी लड़ने के लिए उनको दिल्ली तक भेजा। यह एक वाकया है कि बात जहां एक सूफी के दुआ कबूल होने और एक गंगा जमुना तहजीब के मजबूत होने के हमको एक इतिहास में सबक मिलता है, वह अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। उसके बाद
उनका भरोसा इतना बड़ा, इनसे मोहब्बत इतनी बड़ी कि महाजी शिंदे ने, उनकी फैमिली ने हजरत मंसूर शाह से गुजारिश की कि आप हमारे पास ग्वालियर आ जाइए। लेकिन उन्हें बीड़ की जमीन से बहुत मोहब्बत थी, उन्होंने इनकार करते हुए उन्हें दुआएं दी। फिर एक दूसरा वाकया भी, जो जागीरदार ने ग्वालियर की हिस्ट्री में लिखा है, जिन्हें के ऑथेंटिक समझा जाता है, उसमें एक बात दर्ज है, लिखी गई है कि उस दौरान जब महादजी शिंदे दोबारा ग्वालियर आ गए, अपनी सत्ता संभाल ली, बहुत सी चीज़ें समेटने लगे, राणे खान की नेतृत्व में फौजें भी दिल्ली तक गई और उनको भारत का नेपोलियन बोलकर भी खिताब मिलने लगा, तो फिर हजरत मंसूर शाह ने एक पैगाम भेजा कि तुम्हारे खिलाफ तुम्हारी सौतेली माँ साजिश कर रही है। यही बात जो है तो ग्वालियर के गजीटों में भी लिखी हुई है और जागीरदार के गजीटों में भी लिखी है। वहां पे उस वक्त भी उसकी जांच की गई, उनके बात की, और सिंधिया फैमिली ने, महादजी शिंदे ने कहा कि सचमुच उनके खिलाफ बहुत बड़ी साजिश की जा रही थी। सूफी मंसूर शाह के इस संदेश के बाद और उनको खबरदार करने के बाद इस फैमिली का विश्वास, भरोसा और सूफी के ताल्लुक से उनके दिल में और ज्यादा भक्ति कहिए या मोहब्बत कहिए और ज्यादा बढ़ गई। ये वो बातें थी जो एक सूफी और एक शाह या एक महाराजा के दरमियान रही। लेकिन इस बात को लेकर, इस वाकये को लेकर हम अगर देखते हैं तो हमें ऐसा मालूम होता है कि ये हम नई नई सुन रहे हैं, ये बातें पहली बार सुन रहे हैं, जबकि ये बहुत ऑथेंटिक हिस्ट्री में ये बातें दर्ज है। मुझे अफसोस इस बात का है, या हर भीड़ वाले वासियों को भी शायद अफसोस इस बात का होगा, इतनी बड़ी हिस्ट्री जो एक पानीपत के तीसरी जंग में भी अपना किरदार अदा करती है, जो ग्वालियर की स्टेट तक भी जिनके आशीर्वाद पहुंचते हैं, तीन चार ऐसे कैरेक्टर जिसमें इस जंग को लेकर जो बहुत बड़े काम किए थे, एक सूफी मंसूर शाह, दूसरे महादजी शिंदे, तीसरे राणे खां जो कि महाराष्ट्र नासिक के रहने वाले थे, और इब्राहिम खान गार्दी। जब वो इतिहास में यह बात भी दर्ज है कि जब राणे खान को, वो इब्राहिम खान गार्दी को अहमद शाह अब्दाली के सामने पेश किया गया तो उसने कहा था कि कहो खान कैसे हो। उस वक्त इब्राहिम खान गार्दी ने कहा कि मैंने अपना फर्ज अदा किया। ये एक तारीखी डायलॉग था, इसको भी बहुत ज्यादा पब्लिसिटी मिलनी चाहिए थी, इससे देशभक्ति को और ज्यादा बढ़ावा मिलता था, लेकिन यह भी तारीख के पन्नों से रह गया है। मैं समझता हूं और हर भीड़ वाला भी ये समझता है, हर महाराष्ट्र वाला भी ये समझता है कि हजरत मंसूर शाह और ग्वालियर खानदान की ये कहानी कोहिनूर हीरे से भी ज्यादा चमकदार है और इसका नूर देश और देश के बाहर तक जाना चाहिए था, लेकिन इस पर ना कि हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की नजर पड़ी कि इस सब्जेक्ट को लेकर एक देश के अंदर देश प्रेम की बात की जाती, ये तीनों कैरेक्टर को लेकर बहुत कुछ देश प्रेम जगाया जा सकता, हिंदू मुस्लिम दोस्ती को बढ़ाया जा सकता। एक सूफी को क्या क्रेडिट चाहिए, वो तो चले गए, आज 264 साल हो गए हैं वो इस दुनिया से जाकर। आज भी जो है हम देखते हैं कि ग्वालियर के अंदर वहां उनके शाही महल में हजरत मंसूर शाह ने का दिया हुआ वो डंडा, वो रस्सी वहां मौजूद है, बड़े एहतराम से, बड़े आदर से हर साल जब भी यहाँ उर्स होता है तो वो लोग अपने तौर पर, इनकी जूतियाँ भी वहाँ पर हैं, जूतियों का एहतराम करते हैं, जो भी उपासना होती है वो उसकी अपने तौर पे वो लोग करते हैं, एक रोटी भी रखी हुई है। ये किस बात की सनद है, हालांकि सिंधिया फैमिली ने इनको, आज भी उनकी जितनी भी पीढ़ियाँ हैं वो बराबर इस तरह का
अपने तौर पे काम करते हैं, उतना आदर देते हैं। मंसूर शाह के लिए अभी 6 महीने पहले भी जो उर्स हुआ उसमें भी आदित्य ज्योतिराज आदित्य सिंधिया ने मीडिया से बात करते हुए कहा, जनसेवा के पथ पर अग्रसर होना हमारा धर्म, हम मानते हैं। मनसूबा हमारे परिवार के गुरु, कई सैकड़ों साल 300 साल से रहे और उनका उर्स मनाना, उनका आशीर्वाद देना, ये हर सिंधिया परिवार के मुखिया का दायित्व रहता है और ये हर साल ये कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम में हम लोग शिरकत करते हैं। कहा कि भाई ये हमारे मंसूर शाह हमारे फैमिली के गुरु हैं, इस तरह की सब बात आती है। इससे पहले माधवराव सिंधिया भीड़ आए थे, उन्होंने भी यहाँ के दरबार में हाजिरी दी थी, लेकिन वो मकसद जो हासिल होना था वो हासिल नहीं हुआ। वो जो गंगा जमुना संस्कृति के दरिया जो भीड़ से बहा था वो भीड़ में ही रुक गया है। हम ये जो इस तरह की तारीखी सीरियल चला रहे हैं, हमारा मकसद ये है कि बजाय तलवारों के टकराव के, हम ये चमन से जो इस तरह के फूल है इसकी खुशबू हमारे भीड़ जिले के बाहर, महाराष्ट्र के बाहर, देश के बाहर तक फैले, ताकि एक संदेश, एक अच्छा संदेश, सूफियों का तो संदेश है ही, सूफियों का तो काम ही दुआएं देने का है, उनको दुनिया कुछ नहीं चाहिए, मगर वो सूफी जिनकी नजर में सिर्फ इंसान इंसान थे, जो हिंदू मुसलमानों के दरमियान कोई तफरीक नहीं करते थे, वैसे लोगों का भी जाना चाहिए। ये सिर्फ हम भीड़ वाले या मैं या आपको इसको सेंक्शन नहीं दे रहे हैं, जब हमको मालूम है कि ग्वालियर की सल्तनत भी, ग्वालियर का सिंधिया घराना भी उनको सेंक्शन देता था, तो हमें किस चीज़ की रुकावट आई कि हमने इसको बड़े पैमाने पर पब्लिसिटी नहीं दी। मैं समझता हूँ कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री नहीं तो नहीं, कम से कम मराठी फिल्म इंडस्ट्री तो इसके ऊपर कुछ काम करती, इससे एक मैसेज जाता, मराठा कितना मजबूत था, यहाँ का पेशवा भी जो है तो कितनी मेहनत किया था, किस तरह यहाँ के सूफी भी जो है तो अपने आप को दुनिया की भलाई के लिए पेश करते थे। ये इन बातों पे से हमको पर्दा उठाना पड़ेगा, वो तारीख के वो पन्ने हमको पलटने पड़ेंगे जिसके अंदर मोहब्बत है, जिसके अंदर दर्द है इंसानों का, जिसके अंदर फूलों की खुशबू है, जिसके अंदर इंसानियत है, इसको हमको आज लाना पड़े। भले ये काम मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। अदाबाद।